अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब। आप अचानक फोन तो कर गए थे। अरे भाई, मैं तो कह रहा था कि फोन करके चलते हैं, मगर इन्होंने कहा कि आप तो घर ही पर होंगी। जी, घर पे तो होती हूँ आजकल। आपको पता है ना, शादी का घर है, 100 काम होते हैं। आइए 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 बहन। रिश्ते में बेशक हम एक दूसरे के समधी हैं, लेकिन आप मुझे अपनी बहन ही समझिए। और जरी का ये ससुराल नहीं है, ये उसका महका है। मैं उसे बहुनी बेटी बना के रखूंगी। हमने भी ऐसा ही चाहा था, न जाने क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे। तो आपके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक वादा करें आप मुझसे, जिस तरह मैं जरी को अपनी बेटी समझूंगी, आप भी मेरे सनी को अपना दामाद ही अपना बेटा समझिएगा। बहुत सीधा सादा सा है मेरा बेटा। सनी की शराफत और किरदार के बारे में तो कुछ शक है ही नहीं। शराब लेके भी ढूंढते तो ऐसा दामाद ना मिलता, मगर तकदीर के फैसले निराले हैं। इंसान बेबस होकर रह जाता है। यह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। कैसी बेशुगनी की बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? कौन है जो हमारे बच्चों के रिश्ते में रुकावट बन रहा है? आप सबको जानते बूझते ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप मुझे पहेलियां मत बुझाएं। आप साफ साफ मुझे बताएं क्या बात है। आपकी तो सारी शरायत हमने मान ली थी। ये अनसिले कपड़े जो आपने हमारी बेटी को दिए थे और वो अंगूठी जो आपने उन्हें दी थी, तो हम वापस करने आए। सनी के पापा से कोई बात हुई आपकी? कोई कोई अनबन हो गई है क्या? मुझे बताएं ना। सुबह वो भी शादी की तैयारियां रुकवाने का कह रहे थे। मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? सनी अपनी शेरवानी लेने के लिए गया हुआ डिजाइनर के पास। वापिस आएगा तो क्या कहूंगी उसे मैं? किस तरह के माँ बाप अंगूठी वापस करने के लिए आए हैं? आप हमें इजाजत दीजिए, यही मुनासिब होगा। आप मेरी बातों का जवाब दिए बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। मेरा ख्याल है जब भाई साहब वापिस आएंगे तो वही आपको सब अच्छी तरह बता सकेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बस आप हमें इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे ये रिश्ता तोड़ के जा सकते हैं? सारी तैयारियां कर चुके हैं। रात को घर में ढोलकी है, फिर मायूं, 4 दिन बाद मेहंदी है, और ये लोग अंगूठी वापस कर दिए। अपनी जुबानी हर चेहरा है।